प्रस्ताव कैसे अस्वीकार कर सकते थे? मुझे मेरा कक्ष दिखा दिया जाए तो मैं वहाँ तनिक विश्राम करना चाहूँगा। मंत्री जी, आप कृपया गुरुवर को उनके कक्ष तक ले जाएं। एक और बात राजन, आपने कक्ष में मेरे आदेश के अनुसार मेरी नित्य पूजा की सामग्री रखवा दी है या नहीं? महाराज, कठिन वक्त है, चल जाएगा। मूर्ख प्राणी, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि किसी मुनि के सामने नहीं आते जबकि वो तप कर रहा होता है? अब तुमने अपनी हर सीमा पार कर दी है और तुम्हें इसका दंड मिलेगा, कठोर दंड। सैनिक, बंदी बना लो इसे और इसे दरबार में प्रस्तुत करो। अभी बंदी बनाओ इसे, अन्यथा तुम्हारा भी वही हश्र होगा। भला इतनी हड़बड़ी में क्यों बुलाया गया है महाराज? मुंजा, गुरुवर बुद्धिराज ने संदेश भिजवाया था, वो न्याय चाहते हैं। मुझे मालूम था कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है। महाराज विक्रमादित्य, मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए और मुझे न्याय दीजिए, इस मूर्ख माली को दंड दीजिए। मगर क्यों गुरुवर, ऐसी क्या गुस्ताखी हो गई इससे? इसने मेरी प्रातःकाल की पूजा में विघ्न डाला है। सालों से आज तक मैंने कभी अपना सूर्य नमस्कार पूरा किए बिना अपना स्थान नहीं छोड़ा, मगर आज इस मूर्ख की वजह से वो खंडित हो गया। अरे, किसी न किसी पर तो प्रकोप पड़ना ही था, पर अब इसे अभी इस राजभवन से निष्कासित कर दीजिए। इसे निकाल बाहर कीजिए महाराज। अब क्या करेंगे महाराज, आगे कुआं तो पीछे खाई, न जाने कहां से यह आफत आई। ठीक है, आपको अवश्य न्याय मिलेगा गुरुवर, लेकिन माली का पक्ष सुने बगैर अगर मैंने फैसला सुना दिया तो वो इंसाफ नहीं कहलाएगा। तो आप मुझे झूठा कह रहे हैं राजन? मैं बस नीति का पालन कर रहा हूँ गुरुवर, और नीति के अनुसार दोनों पक्षों को सुने बगैर मैं इंसाफ नहीं कर सकता। आपने मुझे भरी सभा में अपमानित किया है राजन, या तो आप इसी वक्त इस माली को दंड दीजिए, वरना मैं आपके इस पूरे राज्य को श्राप दूंगा कि जिस तरह मुझे सूर्य की रोशनी से वंचित किया गया, उसी तरह आपका संपूर्ण राज्य हमेशा हमेशा के लिए सूर्य की रोशनी से वंचित हो जाए। महाराज, एक माली के लिए इतना बड़ा संकट मत मोल लीजिए। लेकिन वो मेरी प्रजा है, और एक राजा होने के नाते मैं अपनी प्रजा को कैसे बीच संकट में छोड़ सकता हूँ? महाराज क्षमा कीजिए, मगर मेरे एक की वजह से पूरे राज्य पर संकट आ रहा है, तो मेरा कर्तव्य भी तो यही कहता है कि मैं खुद ही चला जाऊं। बात अब ना केवल तुम्हारी है, ना मेरी और ना राज्य की बात है, ये बात है राज मर्यादा की। जब ज्ञान अहंकार बन जाए तो वो विनाश लाता है। लेकिन उपाय क्या है महाराज? उपाय ये है कि गुरु बुद्धिराज को ये संदेश भिजवा दीजिए कि अगर वो मुंजा को तर्क में हरा देंगे तो हमें उनकी हर बात मंजूर होगी। मैं? पर क्यों? मैंने क्या किया? मुझे क्यों सूली पर चढ़ा रहे हैं? मैं कैसे बुद्धिराज से? शांत मुंजा, मुश्किल वक्त में धीरज और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो जो भी सवाल करेंगे मैं उसका उत्तर अपने मन में सोचूंगा, और तुम जादू से उसे जान लेना।
अब थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन महाराज ये तो गलत है। नहीं मुंजा, इस वक्त यही सही है। शुरू करो मुंजा। पहला सवाल करने का अवसर मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि मेरे तो किसी भी सवाल का जवाब तुम दे नहीं पाओगे। परंतु आप बड़े हैं, मैं कैसे पहले कर सकता हूँ? ज्ञान में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। नहीं नहीं, मैं तो उम्र की बात कर रहा था। क्या कहा? पहले आप। नहीं, पहले आप, ये मेरा आदेश है। मान जा मेरे बाप। क्या? पहले आप गुरुवर, पहले आप। पूछो, डरो मत। डर? मुंजा किसी से नहीं डरता। मेरा पहला सवाल। गई भैंस पानी में। लेकिन मैं पूछूंगा अपनी भाषा में। किसी भी भाषा में पूछो। सरल इंसान कौन होता है? वो जो कुछ नहीं जानता इसलिए कुछ नहीं चाहता? नहीं, वो जो सब जानते हुए भी अपनी लालच और चाहत का त्याग नहीं कर पाता। दानी कौन होता है? जो धनी है? नहीं, जो संतुष्ट है। किसको अधिक गुस्सा आता है? जो बलवान है? नहीं, जो असंतुष्ट है। घमंडी इंसान कौन होता है? जो सबसे बड़ा ज्ञानी होता है? नहीं, वो जो कुछ नहीं जानता पर उस बात को छुपाना चाहता है। ज्ञान तो हर किताब में मिलता है, परंतु कठिन है उसका पालन करना। कठिन क्या है, ज्ञान की बातें करना या उस ज्ञान को दिल से मानना? सूर्य की रोशनी को रोककर जो ज्ञान की रोशनी से। नहीं नहीं, रुकिए गुरुवर, आप हमारे अतिथि हैं, हम आपको यूं ही खाली हाथ नहीं जाने देंगे। लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि घमंड और क्रोध एक ऐसा पर्दा है जो किसी को भी अंधा बना सकता है, हमें उससे बचना चाहिए गुरुवर। मैं खाली हाथ नहीं जा रहा महाराज, बहुत बड़ी सीख लेकर जा रहा हूँ। तो देखा दोस्तों, केवल ज्ञान हासिल करना ही काफी नहीं होता, उसका जीवन में नियम अनुसार पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। तो फिर अब मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।